हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट आकाश। गाइज, आज जो वीडियो आने वाली है हमारे चैनल पे वो आज बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। वो आपकी तरफ से भी धमाकेदार होने वाली है और मेरी तरफ से भी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि गाइज आज जो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ वो मेरे लिए बहुत ही महंगा फोन और ड्रीम फोन जो है वीवो V29 अनबॉक्स करने वाला हूँ, जिसको आप कैमरे की खूबी की वजह से जानते हो। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था थोड़े टाइम पहले ही, और अब उसका प्रो वर्जन भी आ चुका है। तो मेरे पास वीवो V29 है, इस वक्त प्रो नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटी सेम है दोनों फोन की, जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अनबॉक्स करते हैं हम अपने मोबाइल फोन को। तो गाइज देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का वीवो ने हमें डब्बा दिया है, और इसके अंदर हमारा ड्रीम फोन वीवो V29 है। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर देते हैं। तो मैं खोल लेता हूं इसकी रबड़ बैंड और इसको करते हैं हम अनबॉक्स। तो गाइस, ये रहा हमारा ड्रीम फोन और इसकी बात करेंगे हम बाद में। पहले इसमें मिलता है हमें केस जो कि है वाइट कलर का, और कुछ वारंटी कार्ड वगैरह, और ये है सबसे सुपर फास्ट 80 वॉट का चार्जर जो कि 30 मिनट में फुल चार्ज करने का दम रखता है अपने अंदर, और ये है टाइप सी डाटा केबल। तो चलिए इनकी बात हम करेंगे बाद में, पहले कर लेते हैं फोन की बात। गाइस, ये है हमारा वीवो V29 जो कि हमारा ड्रीम फोन है। तो देखा है कलर हिमालयन ब्लू कलर इसका, और चलिए इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो गाइस ऑन हो रहा है, और ये 5G का अभी लेटेस्ट वर्जन है। इसका एक और वर्जन आ चुका है जो वीवो V29 प्रो है, उसमें बिल्कुल सेम चीजें हैं, लेकिन एक चीज अलग है, उसका कैमरा सेटअप थोड़ा इसे डिफरेंट कर रखा है वीवो वालों ने। तो चलिए देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या है। ये जो फोन है हमारे पास 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ हमें मिला है। तो चलिए इस फोन को देख लेते हैं चेक करके, और कुछ कैमरा सैंपल्स आपको दिखाऊंगा कैसा कैमरा है और कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसेसर है इसमें। तो इसके प्रोसेसर की बात करें तो 778 प्रोसेसर है, जो कि अभी ये हाल ही फिलहाल में बहुत सारे फोनों के साथ आया था, लेकिन जो अंडर 30 के फोन होते हैं उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, जो अंडर 20 के होते हैं उनमें कम थोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन अच्छा प्रोसेसर है और अच्छा वर्क भी करता है फोन में। तो देख सकते हैं ब्राइटनेस वगैरह और इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह। तो चलिए गाइस, इसका अब टाइम आ गया है कि इसके कैमरा चेक करा जाए। मैं बता दूं, इसके रियर कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, और जो इसका सेल्फी कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, वो भी 50 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा है। तो गाइस, इसके अंदर जो हमें देखने को मिल जाती है कैमरे के वीडियो दोनों में मिल जाती है, रियर कैमरे के वीडियो फ्रंट कैमरे दोनों में 4K वीडियो मिल जाती है, जो कि काफी नेचुरल कलर और काफी DSLR जैसा हमें फील कराती है। तो गाइस चलिए देखते हैं कुछ इसके कैमरा सैंपल्स जो कि आपके सामने हैं, और कुछ वीडियो सैंपल्स दिखाऊंगा आपको पोर्ट्रेट मोड में। We'll be right back.